أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students I hope you all are fine and doing well so today we are going to discuss social studies of grade 2 and the unit number is 3 so let's open it so my dear students open the page number 23 and the unit is 3 name is village and city life gaon aur shahar ki zindagi सबसे पहले द विलेज लाइफ गांव की ज़िंदगी के बारे में कुछ पढ़ते हैं लेट स्टार्ट अस्सलामु अलैकुम आई एम ज़िशान मैं ज़िशान हूँ माय निकनेम इज़ शानी मेरा निकनेम है शानी आई लिव इन अ विलेज मैं एक गांव में रहता हूँ I will tell you about my village through these pictures. मैं इन pictures के ज़रिए अपने गांव के बारे में बताता हूँ Let's see here. Look students, यहाँ पर कुछ pictures हैं जो कि ज़िशान के गांव को represent कर रही हैं सबसे पहले picture में ये देखिए सूरज निकल रहा है It means कि ये सुबह हो रही है यहाँ पर देखिए सुबह होगी उसके बाद सब जानवरों को खाना डाला गया उनकी सफाई की गई आगे देखिए बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं और अम्मी खाना बना रही हैं यहाँ पर बैल चलाए जा रहे हैं हल चलाया जा रहा है खेतों में यहाँ पर फसलें काटी जा रही हैं और ये क्या है ये है ट्रांसपोर्ट गांव की ट्रांसपोर्ट ऐसी होती है गधा गाड़ी बैल गाड़ी इस पर चीज़ें लादकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाई जाती हैं फिर हो गई रात और ये हो गया बारिश का मौसम जब फसलों को पानी मिलता है तो ये थी गांव की लाइफ मूव टू द नेक्स्ट पेज 24 यहाँ पर कुछ लोग कबड्डी खेल रहे हैं और यहाँ पर तंदूर पर रोटियाँ बनाई जा रही हैं तो गांव की लाइफ ऐसी होती है फ्रेंड्स दोस्तों यू हैव विजिटेड माय विलेज आप लोगों ने मेरे विलेज का विज़िट किया गांव का नाउ आई विल टेल यू मोर अबाउट विलेजेस अब मैं गांव के बारे में कुछ और चीज़ें बताता हूँ मोस्ट विलेजेस हैव बहुत से गांव में होता है फ्रेश एयर ताज़ा हवा क्लियर वाटर साफ पानी प्लेंटी ऑफ ट्रीज़ बहुत ज़्यादा दरख्त लश ग्रीन फील्ड्स सरसब्ज खेत सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ सादा ज़िंदगी हेल्दी सेहतमंद एंड फ्रेश फूड सेहतमंद और ताज़ा खाना म्यूचुअल कोऑपरेशन बाहमी तावन अनपाव्ड पाथ्स गैर हमवार रास्ते एंड मड हाउसेस और मिट्टी के घर तो गांव में क्या कुछ मौजूद होता है ताज़ा हवा होती है साफ पानी बहुत सारे ट्रीज़ सरसब्ज खेत होते हैं गांव के लोग बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते हैं हेल्दी और फ्रेश खाना खाते हैं आपस में बहुत इत्तफाक और मोहब्बत के साथ रहते हैं और वहाँ के रास्ते जो हैं वो बहुत गैर हमवार होते हैं मतलब वहाँ पे प्रॉपर रोड्स नहीं बनी होती कच्ची जो हैं वो रोड्स होती हैं और मिट्टी के घर होते हैं नेक्स्ट है मोस्ट विलेजेस डू नॉट हैव बहुत से गांव में ये कुछ नहीं होता क्या इलेक्ट्रिसिटी बिजली रोड्स सड़कें मेडिकल केयर किसी भी किस्म की मेडिकल केयर जो होती है लाइक हॉस्पिटल्स मॉडर्न लाइफ जदीद ज़िंदगी मार्केट्स दुकानें बैंक्स ऑफिसेस, सीमेंटेड हाउस सीमेंट के बने हुए घर एंड मॉडर्न ट्रांसपोर्ट और वो ट्रांसपोर्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं लाइक कार्स बसेस ट्रेन एरोप्लेन बाइक्स इस तरह की चीज़ें वहाँ पर बहुत कम देखने में मिलती हैं ऐसा ट्रांसपोर्ट क्योंकि गाँव का ट्रांसपोर्ट मैंने आपको अभी बताया गाँव के ट्रांसपोर्ट में क्या शामिल है ये देखें ये है गांव का ट्रांसपोर्ट गधा गाड़ी और बैल गाड़ी टिप कार्ट इसको कहा जाता है टिप कार्ट्स
चलिए नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटीज देखते हैं. लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द करेक्ट वर्ड फॉर पिक्चर्स. हेयर आर वर्ड बैंक, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको देखकर हम इन पिक्चर्स के नीचे लिखेंगे. प्लफिंग, हार्वेस्टिंग, विलेज, ट्रांसपोर्ट, विलेज शॉप. तो सबसे पहले ये क्या है, ट्रांसपोर्ट. राइट डाउन ट्रांसपोर्ट. ये क्या है, विलेज शॉप. विलेज शॉप, ये गांव की दुकानें हैं. ये क्या है, ये हार्वेस्टिंग, यहाँ पर फसलें काटी जा रही हैं, कटाई हो रही है, हार्वेस्टिंग. और ये क्या है, प्लफिंग. नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 25. क्रॉस द पिक्चर्स विच डू नॉट डिपिक्ट विलेज लाइफ, जो कि गांव की जिंदगी में नहीं होती चीज़ें, वो क्या हैं. ये ऐसे सीमेंटेड घर, क्या गांव में ऐसे घर होते हैं? नो. क्रॉस, यहाँ पर हो रही है कटाई, फसलों की कटाई हो रही है. यस. दिस इज बैंक, क्या गांव में बैंक्स होते हैं? नो. क्रॉस इट आउट. रोड्स, क्या गांव में ऐसी रोड्स होती हैं? नो. क्रॉस आउट. ये देखिए, ये हैं एनिमल्स. ऐसी लाइफ होती है गांव की. यस. यहाँ पर ढेर सारे जानवर हैं जिन्हें खाना दिया जा रहा है. व्हाट इज दिस, ये है मार्केट्स. क्या ये गांव में होते हैं? नो. क्रॉस आउट. हॉस्पिटल, क्या गांव में हॉस्पिटल होते हैं? नो. क्रॉस आउट. ये है शॉप, ऐसी दुकानें होती हैं गांव में? यस. टिक. दिस इज एयरपोर्ट. क्रॉस. और ये है मड हाउस. यस, ये होते हैं मड हाउसेस विलेजेस में. सो राइट द नंबर्स ऑफ पिक्चर्स शोइंग विलेज लाइफ. अब हम इन पिक्चर्स में से जो कि गांव को जाहिर किया है जिन पिक्चर्स ने, उनके नंबर्स यहाँ पर लिखेंगे. तो है 5, 2, 8 and 10. नेक्स्ट पेज, चैप्टर नंबर 2, द सिटी लाइफ. नेक्स्ट टॉपिक इज द सिटी लाइफ, शहर की जिंदगी. शानीज अंकल लिव इन अ सिटी. शानी के अंकल शहर में रहते हैं. लास्ट वीक शानी वेंट टू हिज अंकल. पिछले हफ्ते शानी अपने अंकल के पास गया. हिज अंकल टुक हिम टू विजिट द सिटी. उसके अंकल उसको शहर की सैर कराने के लिए लेकर गए. नाउ शानी टेल्स अस अबाउट सिटी लाइफ. अब शानी हमें सिटी की ज़िंदगी के, शहर की ज़िंदगी के बारे में बताएगा. सिटी लाइफ इज़ फास्ट एंड मॉडर्न. शहर की ज़िंदगी बहुत तेज़ और जदीद होती है. देर आर मैनी फैसिलिटीज़ सच एज रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, गैस एंड ड्रेन्स. यहाँ पर बहुत सी किस्म की सहूलियात मौजूद होती हैं, जिनमें रोड्स हैं, सड़कें, बिजली, पानी की सप्लाई, गैस और नालियाँ. देर आर स्कूल्स, यहाँ पर स्कूल्स भी होते हैं, कॉलेजेस, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स एंड बैंक्स. तो ये सब कुछ कहाँ मौजूद होता है? शहर में. नेक्स्ट पेज 27.
द ट्रांसपोर्ट इज़ मॉडर्न एंड फास्ट. अब यहाँ की ट्रांसपोर्ट में क्या कुछ शामिल है ये देखिए. हेयर आर सम बसेस, एयरप्लेन, दीज आर कार्स, ये है एयरपोर्ट, बस स्टॉप, देर आर मैनी ऑफिसेस, फैक्ट्रीज एंड मिल्स वेयर पीपल वर्क एंड अर्न मनी. यहाँ पर बहुत से ऑफिसेस होते हैं, फैक्ट्रीज एंड मिल्स, जहाँ पर लोग काम करते हैं और पैसा कमाते हैं. नेक्स्ट इज देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, मुख्तलिफ किस्म के घर मौजूद होते हैं. देर आर मैनी प्लेसेस फॉर रेसेस एंड अम्यूजमेंट, तफरी के लिए और सैर करने के लिए बहुत से मकामात होते हैं. नेक्स्ट पेज, मोस्ट सिटीज हैव, बहुत से शहरों में होता है, ऑल फैसिलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, आजकल की जदीद ज़िंदगी की तमाम सहूलियात. मोस्ट सिटीज़ डू नॉट हैव, कुछ शहरों में ये कुछ मौजूद नहीं होता. फ्रेश एयर, ताज़ा हवा, एनवायरनमेंट विदाउट नॉइस, शोर के बगैर का माहौल, लश ग्रीन फील्ड्स, सरसब्ज खेत, नेचुरल सीन्स, कुदरती मंजर, एनिमल्स, अनपोल्यूटेड लैंड, अनपोल्यूटेड वाटर, ये सब क्या हैं जो शहरों में अक्सर मौजूद नहीं होते. नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम. वेयर डज शानीज अंकल लिव, शानी के अंकल कहाँ रहते थे. ही लिव्स, ही लिव इन अ सिटी, वो एक शहर में रहते थे. नेक्स्ट, वेयर डू द पीपल वर्क इन अ सिटी, शहर में लोग कहाँ काम करते हैं. इन ऑफिसेस, दफ्तरों में, फैक्ट्रीज एंड मिल्स. नेक्स्ट, डू ऑल सिटीज हैव फ्रेश एयर, क्या हर शहर में ताज़ा हवा होती है. नो. विच फैसिलिटीज आर कॉमन इन सिटीज, शहरों में कौन सी ऐसी आम फैसिलिटीज हैं जो मौजूद होती हैं. वो हैं स्कूल्स, बैंक्स, रोड, गैस एंड हॉस्पिटल्स. डन. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर वन, इन सिटीज ट्रांसपोर्ट इज मॉडर्न एंड फास्ट. देयर आर डैश टाइप्स ऑफ हाउसेस इन सिटीज, डिफरेंट, शहर में मुख्तलिफ किस्म के घर मौजूद होते हैं. मोस्ट सिटीज़ हैव ऑल फैसिलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न लाइफ. नेक्स्ट, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. सो द स्टेटमेंट नंबर वन इज सिटी लाइफ इज वेरी स्लो, रॉन्ग, क्रॉस इट आउट. टू, roads, electricity, water supply are the facilities. Yes, true. Next page. There are many schools and colleges in a city. शहर में बहुत से स्कूल और कॉलेजेस होते हैं. True. There is no place for amusement in cities. तफरी के लिए शहरों में कोई जगह नहीं होती. Wrong. Next, match the following. इसको match करें.
city transport, house facilities and amusement. सबसे पहले city transport, which is this bus. इसके अलावा train और school bus. Match this city transport with school bus. Next, house facilities. ये है gas. घरों में gas होती है. Water supply और next है amusement. तफरी के लिए cinema and these magic shows. Done. So students, the chapter number 2 is done. I hope you have understood the topic. So keep practicing at home. Take care. Have a blessed day. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन